थी फिल्म पठान को लेकर, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बॉयकॉट पठान ट्रेंड चल रहा है, विवाद जो पूरा चल रहा है, सरकार में कुछ लोग जैसे हैं नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस पर काफ़ी बयान दिए। शाहरुख खान की फिल्म दीपिका पादुकोण पर काफ़ी सारे बयान दिए गए, उस पर आज शाहरुख खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि शाहरुख खान ने इस पर कहा क्या है, साथ ही साथ अमिताभ बच्चन भी इस पर बोले। वो दोनों इस वक्त कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने इस पर अपनी जो ट्रोल्स हैं उसके ऊपर अपना संदेश दिया है, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। सिनेमा एंड इन फैक्ट द एडवेंट ऑफ आर्टिकुलेशन थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव नाउ बिकम द फोरमोस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड इमोशन। द कलेक्टिव नैरेटिव ऑफ अ टाइम्स इज शेप्ड बाय सोशल मीडिया। And contrary to the belief that the spread of social media will affect cinema negatively, I believe cinema has an even more important role to play now. Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. Cinema exposes the vulnerability of human nature by telling stories in their simplest form, as they are lived. But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. तो ये जो फिल्म है, इसका ये जो गाना है, इसके ऊपर बेशरम रंग इस गाने का नाम है, बड़ी सारी परेशानियां हैं। कुछ लोग बॉयकॉट ट्रेंड चला रहे हैं, कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण ने इसमें जो सैफरन रंग की बिकिनी पहनी है उससे उनको परेशानी है, रंग में भी पॉलिटिक्स देखी जा रही है। कमाल की बात यह है कि इसके ऊपर जो विवाद करा जा रहा है उससे बॉयकॉट ट्रेंड चलाया जा रहा है, रंगों में हिंदू मुसलमान दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा नहीं कि ये कोई सड़क पर चलते कोई भी कुछ इस तरह की बात कर रहा है, ये बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा। कल उन्होंने ये बात कही, पहले उनकी बात सुन लीजिए जरा क्या कह रहे हैं। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया ही दोषपूर्ण है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता को लेकर के फिल्माया गया गाना है पठान फिल्म का। मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। और दीपिका पादुकोण पहले भी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में आ चुकी हैं, उससे उनकी पहले भी मानसिकता सबके सामने आ चुकी है। और इसलिए मेरी मान्यता है कि ये जो गाने का नाम है बेशर्म रंग, ये भी अपने आप में आपत्तिजनक है।